क्या घटना हुई है, कितने लोग एक्सपायर हुए सर इसमें? अभी कहाँ जा रहे थे? खजुराहो झांसी नेशनल हाईवे पर झांसी तरफ से खजुराहो की तरफ जाने वाले एक CNG ऑटो में कुछ सवारियां सवार थी, तो उनका आज सुबह अभी तक की सूचना अनुसार कुल 7 भर्ती हो चुकी हैं और 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें से 3 लोगों को रेफर किया जा रहा है ग्वालियर के लिए। सर कहाँ से कहाँ जा रहे थे जरूर? ये लोग फर्रुखाबाद लखनऊ यूपी के बताए जा रहे हैं, जो संभवतः किसी ट्रेन के माध्यम से यहाँ छतरपुर आए होंगे और ऑटो से बागेश्वर धाम जा रहे थे, तो ये हाईवे पर ये दुर्घटना हुई। पीछे से ट्रक में खड़े सर, ये खड़े हुए ट्रक में शायद ये संभवतः टकरा गए हैं ऑटो वाले और ये घटना घटित हुई है। आज हमारे जो झांसी खजुराहो हाईवे है उस पर एक सुबह दुखद दुर्घटना घटी है, जिसमें एक ऑटो से 13 लोगों घायल हुए हैं, जिसमें से 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, 6 लोग अभी अस्पताल में एडमिट हैं, जिनमें से 4 लोगों को उपचार के लिए हम ग्वालियर रेफ़र कर रहे हैं। जो 7 लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। मुख्यमंत्री जो हमारी आर्थिक सहायता राशि होती है दुर्घटना में, वो राशि इनको तत्काल प्रदाय की जाएगी जो मृत्यु हुई है, और उसके अलावा जो घायल हुए हैं उनको भी सहायता कोष से राशि प्रदाय की जाएगी, उसके लिए प्रकरण बना रहे हैं, आज ही उसको राशि हम प्रदाय कर देंगे। साथ ही उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है, ताकि पोस्टमार्टम के बाद जो अंतिम संस्कार की जो गतिविधियां हैं वो प्रारंभ हो सकें। सभी 13 लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और जितना मेरी SP साहब से बात हुई है कि ऑटो भी महोबा रेलवे स्टेशन से आ रहा था और यहाँ पे हाईवे पे एक ट्रक से टकरा गया है, उस कारण ये घटना हुई है। सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जानकारी यही मिली है कि बागेश्वर धाम जा रहे थे सभी लोग। सर किस तरह की घटना हुई है? सर एक्सीडेंट हुआ है आज बागेश्वर धाम जा रही थी टैक्सी, क्या मामला है? एक सुबह के समय घटना हुई है, जिसमें झांसी खजुराहो हाईवे पर एक ऑटो टैक्सी उसका एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हुआ है, और उसमें जो भी लोग थे अभी तक 7 लोगों की इसमें डेथ हुई है और बाकी लोग घायल हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। सर कितने लोग इसमें सवार थे? कितने लोग सर टैक्सी में सवार थे? इसमें 13 लोग कुल टैक्सी में थे और ये लोग महबूबा रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम तरफ जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।